के दिन या घर में आई मैं। आज तो तुझे देनी चाहिए मुझे दावत, कैंटी की वो है शादी सालगिरह है भाई, आज तो तुझे गिफ्ट देना चाहिए मुझे। अच्छा मेरे से गिफ्ट ले रही है। अच्छा बहुत अच्छे। देखा गाइस, देखो आज इनकी एनिवर्सरी और इनके हाल देखो। आज एनिवर्सरी वाले दिन ना रोज ये सुबह कितने 6 बजे उठ के पूजा वगैरह सब कर लेती हैं, लेकिन आज इनके हाल देखो ऐसे ही सुबह से फोन पर पड़ी हुई है। और मैं जब से कह रही हूँ नहा लो मम्मी, तैयार हो जाओ मम्मी, यार आज मैं अपनी मर्जी से करूंगी जो तब मर्जी से करो, लेकिन इस तरीके से तब से ही पड़ी हो। आज मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी, आज मैं किसी की सुनने वाली ठीक है मत सुनो गाइस, अब हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे, इन्हें करना तो आज तो मेरा मन है कि मैं आज सो जाऊं और उठूं 11-12। अच्छा बहुत बढ़िया, जब उठू जब मेरी मिन्नत करी जावे उठो उठो तो मतलब आप चाह रही हो आज आपकी जी, आज मैं महारानियों वाली फीलिंग ले लूं। आज मेरा दिन है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, और दिन ऐसे मना रहे हो। देखो पता नहीं क्या हो रहा है कि बाल करने लग रही है तो भाई एनिवर्सरी एनिवर्सरी, मुझे तो डेली जैसे ही दिन लग रहा है। मम्मी आप बोरिंग होगी ना इसलिए, आपसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो हमें हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। आज क्या ही करने वाले हैं गणिए, सरप्राइज है वही तो कह रही तो मम्मी सरप्राइज है वही तो मैं कह रही हूँ, उठ के नहा लो और देख लो टीना के फैंस जो मेरे फैंस है सब देख लो चट्टन घोट कर। तो मम्मी आज पार्टी है ना, तो आज कोई खाना ही ना खाएगा, इसलिए जल्दी खड़ी हो नहा लो देख लो, एनिवर्सरी पे भी कोई चटनी घोटा है आज तो कुछ बनाना चाहिए स्पेशल। नहीं मम्मी मैं मेहनत ना करूँ, आज तो मुझे किचन में लगा दो। अच्छा। इसलिए आज हम बाहर जाएंगे तो वहाँ की पार्टी सरप्राइज है। और गाइस ये और बताओ कि जिनकी एनिवर्सरी होती है उनको गिफ्ट मिलते हैं या वो गिफ्ट देते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताओ। मम्मी पापा हमेशा गिफ्ट दे रहा चल रहा, नीतू मुझसे गिफ्ट मांग रही है। नीतू आंटी कह रही है कि आप हमें दावत दे, मम्मी दावत तो देनी चाहिए ना। ठीक है मैं 25वीं शादी की सालगिरह होगी ना जब दूंगी सब, अभी आपकी अभी तो मुझे दावत दो तुमसे। चलो चलो अब खड़े हो जल्दी नहाओ, या तो मेरा निकालो सूट निकालो, मैं नहा लूं हाँ। फिर पूजा कर लूं, फिर भगवान से प्रार्थना कर लूं कि मेरे जो जीवन साथी है वो मुझे 7 जन्म तक मिलते रहे। बिल्कुल ठीक है, और शुक्रिया कर लूं उनका के वो मेरी लाइफ में भेजे उन्होंने आज के दिन। अरे वाह। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना ब्यूटी मेकओवर। एंड आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज है मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी, 23rd वेडिंग एनिवर्सरी। और आज मैंने व्लॉग बनाया बेसिकली इसीलिए, लेट हो गए हैं बच्चे भी आए नहीं हैं, लेकिन मम्मी को भी कुछ नहीं पता कि हमें क्या प्लान किया है क्या होने वाला है सब कुछ। तो अभी मैं मतलब चलते हैं, हम पार्टी है हमारी आज, स्टाफ सारा पार्टी कर रहा है आपको तो बता ही सकती हूँ। और उसके बाद मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की है, वो है कि मैंने मम्मी के लिए एक गिफ्ट ख़रीदा था। एक्चुअली वो ख़रीदा था इसलिए क्योंकि मैंने मम्मी को एक बहुत प्रिटी ड्रेस पसंद आई थी, कोल्ड सेट पसंद आया था वो कश्मीर में, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया बिकॉज उन्हें शायद वो एक्सपेंसिव लगा था या कुछ भी था। तो मैंने छुपके से वो ड्रेस तभी ले ली थी, वो मम्मी को नहीं पता मैंने वो ख़रीदी थी तब। तो मैंने सोचा कि मम्मी की एनिवर्सरी पर हम ये मम्मी को गिफ्ट देंगे, तो आज एनिवर्सरी है और अभी तक मम्मी को वो सब नहीं पता है, अभी गिफ्ट मैं बाद में दूँगी और मैं मम्मी को शाम को वही पहनाऊंगी। ओके तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है और आज का दिन कितना स्पेशल रहता है दोनों के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पार्टी की अरेंजमेंट करने, ये देखो हमारा पार्टी लेकिन अभी ना मम्मी को कुछ पता नहीं, हम छुपके से जा रहे हैं, डांट भी खा सकते हैं थोड़ी बहुत। और ये मार्केट जाते इतना टाइम कहां लगता है, ले लेते हैं एज ए आशीर्वाद के तौर पर। बिल्कुल जो भी डांट पड़ती है आशीर्वाद के तौर पर, बट आज देखते हैं हमें पर टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, जल्दी होके आना ठीक है। तो चलो चलते हैं जल्दी, चलो भाई चलो चलो। शिवानी देख सामने कौन आ रहा, गौर से देख मम्मी, ये शिवानी की माता जी। मम्मी चलो तो अब मिलते हैं शिवानी की माता जी से। माँ जी नमस्ते, हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। अच्छा शॉपिंग ठीक है। हाँ जी मन की शिवानी माता जी आ रही हैं दूर से। वीडियो बना रही हूं।
उन्हें पता है ठीक है ना। ये व्हाइट फॉरेस्ट में है। अच्छा ये भी बढ़िया होता है, ये मिल्क चॉकलेट में होता है। अच्छा कौन सा? वैसे रेनबो भी प्रिटी लग रहा है देखने में, उसका टेस्ट कैसा है? सभी चीज क्रीम होता है अंदर तो, हाँ अलग अलग फ्लेवर की ब्रांड। कौन सा नया कुछ समझ में आ रही है ना? अभी हम आ चुके हैं और अभी हमारी केक कटिंग होने वाली है। स्टाफ बच्चों ने पूरी तैयारी कर लिया, वो देखो मम्मी वहाँ छुप रही है। दिखा दो मैम अपनी शक्ल भी दिखा दो। ये क्या सब डन हो चुके हैं, बस पापा का वेट है। मम्मी यार आपके फेस पर लाइट आ रही है, इधर आओ, सुंदर सी लग रही हो, इधर आओ। देखो ये मम्मी तैयार हो चुकी है, कितनी प्रिटी मम्मी लग रही है। देखो हमारी कुक्कू भी एंट्री ले चुकी है। आज कुक्कू आ जा, आ गई ये देखो, ये देखो। और पापा कुकू आ जा, चलो भाई स्टार्ट। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बताओ कब देखी? पसंदीदा ड्रेस ये तो कश्मीर की है। हाँ। तो अरे मैं आप ही पसंद आ रही ना, तो मैंने ये तभी ले ली। सरप्राइज रखा तो कैसा लगा आपका अपना सरप्राइज गिफ्ट?
सरप्राइज तो अच्छा लगा पर तूने क्यों ली? मैंने मने तो कर दी। लो भाई लो, देख लो। मम्मी ऐसी हो ये बता, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये तो बता। अच्छा तो लग रहा है पर ये महंगा भी तो लग रहा है मुझे। तो कोई ना भाई, दे अपने बच्चे, आप गिफ्ट ना दे सकते? तो आज शाम की पार्टी आप ये पहन के करोगे ठीक है? थैंक यू टीना, वेलकम। थैंक यू सो मच। तो आज शाम को अभी से पहन के जाएंगे दीदी के यहाँ। वाओ यू लुकिंग क्यूट ब्यूटीफुल एंड सो फिट। मम्मी आप बहुत स्लिम लग रही हो यार इसमें, सच में ही है ना, बहुत ही प्रिटी लग रही हो। कौन से कौन मिलने आया? हमारी ब्राइड अभी वीडियो नहीं डाली पर मैं डालूंगी जल्दी। और वीडियो डाली नहीं है और वो थैंक यू बोलने भी आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर एवरीथिंग, आई जस्ट लव इट। थैंक यू। तो मम्मी कैसी फीलिंग आ रही है आपको, आपकी ब्राइड आपको रिव्यू देने आई है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और देखो मेरी ब्राइड मेरे पास आ गई है मेरी रेगुलर क्लाइंट बनने के लिए। ज्यादा क्या चाहिए? आई विल कम बैक। तो मतलब अब हमें ना सुकून मिल रहा है कि भाई हमारी ब्राइड इतना अच्छा। उस टाइम पे देखो थोड़ा वो था कि बहुत ज्यादा प्रेशर था ना, बट आपने मुझे सारे ब्राइड थे। हाँ मैं लेट आई थी बट मुझे जब भी 12th नंबर था मेरा मुझे थोड़ा जल्दी बुला दिया। हाँ 9th में मुझे शिफ्ट किया आपने एंड देन यू गिव मी अ बेस्ट मेकअप। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमारी ब्राइड इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट नहीं देती। और आज जो इस आज के दिन पे जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है ना तो मैं तो बहुत खुश हो गई। आज मम्मी की एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। ये बेस्ट गिफ्ट है आज का। बेस्ट गिफ्ट है कि क्लाइंट आके खुद मुझे यहाँ पे ना रिव्यू देने आए और ये मेरे लिए बहुत बड़ा बड़ा आज का दिन बड़ा है। अभी भी कोई भी चीज होती है मेकअप के लिए एंड एनीथिंग आई विल जस्ट ask you first and then thank you. Thank you so much. हम लोग जल्दी हैं बुआ के यहाँ पे आ गए। हाँ ऑलमोस्ट पहुंच चुके गाइस। अभी हम आ चुके हैं बुआ की सोसाइटी में, मतलब हम बस कुछ टाइम बाद उनके घर पहुंच जाएंगे। और पापा और पीयूष हमारे साथ नहीं है क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वो यहीं पे एक डॉक्टर है जिनकी उन्होंने अपॉइंटमेंट पहले ही करा ली थी, वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं पैदल पैदल वॉक करते हुए। हाँ बताया नहीं है कि हम पहुँचने वाले हैं, वैसे वो वेट कर रहे हैं पहले से ही, पर अब हम जाके एकदम से उनको चौंका देंगे। बिल्कुल। और मैं आपको बुआ का रिएक्शन दिखाऊंगी। वैसे चौंकाने क्या उन्हें पता है हम आ रहे हैं? उनको पता है लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि एकदम से ऐसे आएंगे पर हाँ उनको पता है पहले। देखो इनका पूरा लुक सुंदर लग रही हो मम्मी आप, सुंदर है लेकिन मैंने शॉल लिया है ठंडी की वजह से। पोज मार साथ साथ पोज लगे। ये गाड़ी भी आ रही है पीछे आगे देख लग रही हो क्योंकि चॉइस मेरी अच्छी है ना ड्रेस की। मैं तो सूट ही डालने वाली थी गाइस पर इसने जब ये ले लिया तो मुझे अच्छा लगा है ये। आ जाओ जल्दी आ गए बुआ। नमस्ते बुआ का हाल देखो। हेलो ये मेरी प्यारी सी बहन जो प्यारी नहीं है। और कहाँ गया ये मेरा ब्रो। हेलो बुआ ये लुक तुबारक का एक तो बुआ के। हेलो टीना तू सरप्राइज बुआ यू लुकिंग टू हॉट। बुआ ने एकदम हटा धीरे धीरे से। हेलो टीना मैं तू अच्छी लग रही सच में। मैं तो अच्छी लग रही हूँ देखो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। कैसी लग रही है? टीना ने गिफ्ट किया मुझे। अच्छी लग रही है ना बुआ? आज तो हीरोइन जैसी लग रही हो। हीरोइन है मेरी मम्मी क्या मारे पाजी की वॉशरूम से पानी तो मेरे सारे ब्लॉगर में जय श्री राम ही कर रहे हैं। तीन दिन कहीं जय श्री राम पाजी डर गई हुआ क्या? 3-2-1 दब। देखो मेरी बहन कितनी सपोर्टिव है। देखो वन ब्लॉगर देयर वन ब्लॉगर हियर। वाह मुस्कान वाह हमने काम में लग चुकी है कर भी चुकी है एक ब्राइड और इधर हमारी। वाह मुस्कान थैंक यू वेलकम। देखो कितनी क्यूट सी है उधर हमारी। देखते रहो देखते रहो एकदा
गया, गाड़ी में बैठ जाऊंगी मैं भी। चला तो अभी हम जल्दी हैं कहाँ पे? ब्यूटीफुल हाँ तो है मेरी, सिर्फ क्यूटी नॉट क्यूट। You know which T you are? I know. Which? But. हमने choose किया है pineapple flavor. चलो चलो. फिर हमने केक भी ले लिया है कल. गंदे हैं तो हमने एंट्री ले लिया। ये लोग यहाँ पे पहले ही बैठे हैं। मेन्यू आ चुकी है और अभी हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या। ये देखो मैम पानी में लग गई है उसका इसकी आदत है सबसे पहले जाते ही पानी पीना। और अभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या। ये यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। आपको क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए बोलिए बोलिए। दोनों आ चुके हैं वहाँ पे। ये बुल्ली बुल्ली की हालत खराब हो रही है। तुम वो कुछ भी करन मत दियो, जैसे कुछ करो एकदम मेरे मुंह पे वीडियो। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Papa कभी कोई मामा भी कह दो। मामा है भाभी। Yay! Cute, cute. नाम होगा? बनाओ ना एक। मैं भी एक। मैं भी चटोरी। हमारा स्टार्टर आ चुके हैं हमारे और मुस्कान के मुंह में पानी आ रहा है। क्या थैंक यू शो करो करो सर। उसके बाद हरा भरा कबाब। ओके ओके फिर देखते आपके लोग। भूख लग रही है? दही के शोले या कबाब? दोनों। मैं भी दोनों। ठीक है। चटनी से। यस। और यस कहना बतासे से मत। टीना आई आल्सो वांट दिस। उसका तेल कबाब रह गया। चटनी दो गई। स्टार्टेड। ले अम्ली। और लोग। रुक जा, रुक जा। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मेरा फेवरेट है ये। दिख रहा? मजा? गाइस मैंने पूछा क्या कर रही हो तो कह रही साफ तो करनी है। ये अलग स्टाइल है साफ करने का। सही बात है। मैनर्स फुल नहीं होता। हमें अच्छे मैनर्स दिखाने चाहिए। प्लेट एकदम नीट एंड क्लीन। अभी चाटो। अभी डैडी ऑर्डर दे रहे हैं मेन कोर्स का और वी आर वेटिंग। लाइक नॉट वेटिंग, पेट थोड़ा तो भर गया। हाँ स्टार्ट। लेट्स ट्राई। और क्या लेगा? दिस इज रायता। हमारा खाना हो चुका है डन और अभी मैं
बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा लगा मुझे कोई उठा के ले जाए, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे भी सभी का भी खाना हो चुका है, रेडी है खा पी के, और सभी बहुत ज़्यादा फुल हो चुके हैं। वो आ रही है बुआ, लेटू लेटू आ रही है। सच्ची मैं सुन कर खा जाते घर सो जाओ। देखो सबसे लंबा आदमी हमारे घर का आ चुका है, वो पीछे पीयूष, और चलते हैं अभी हम बिल्कुल रोड पे खड़े हैं। अब तो थक गए भाई। कभी सुना है खाते खाते थक जाए, मतलब हम लोग बहुत मतलब ज्यादा हो गया, जब ज्यादा हो जाता है ना तो सच में थक गया। नींद नींद भाई, मुझे तो ना च्यूइंग करते करते ही मेरा ऐसा हो गया। अभी हम चल रहे हैं और अभी हमारी एक चीज रह गई, आइसक्रीम, वो भी हम खाएंगे। गाइस हमने ले लिया आइसक्रीम और मुस्कान जा चुकी है और मम्मी भी अपनी आइसक्रीम खा रही है देखो, और बुआ अपने घर जा चुकी है और हम भी अपने ही चल रहे हैं, पार्टी वार्टी खत्म करके अपने घर। ओके हम आ चुके हैं घर और अब हम अपनी कुकू का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है इसका। पागल कुकू देखी, गाइस देखो मम्मी कुकू देखी, मेरा बच्चा कुकू आ गया। मम्मी कुकू देखी आपने? गोदी ले लो, उसे गोदी गोदी ले लो, उसे गोदी आई मेरा बेटा, मेरा बेटा। घर की रखवाली में रहू मैं, आप तो चले जाओ, मुझे घर की देखभाल करनी पड़े मम्मा। बेबी मेरा चुन्नू मुन्नू, मेरा बाबू। यार मम्मी कैसे रहे यू? तो यू खुद ही ना जाना चाहते हैं क्या करे। ओ इतना प्यार, ओ मेरा बच्चा। सबसे पहले पापा के पास गई है, ओ मेरा सोना बच्चा। कुकू मेरे पास नहीं आया? कौन आया था घर? घर कोई आया था? कुकू नहीं मम्मा, कोई नहीं आया। कोई आया था? हाँ मेरे को भूख लग रही है, मेरा बेबी, मेरी चुन्नी मुन्नी बेबी। ओ कुछ मैं मुचकिन और एक मेरा लड्डू, ये घर पे ही रहते हैं, मेरा बच्चा। उसे पापा की लग रही है, पापा पास भेजो मुझे। देखो देखो